हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका टैली सीखने की सीरीज में। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम और ERP 9 का कॉम्बिनेशन ही है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से हम ऑटोमेटिक बिल नंबर सेट करें। बात करें टैली ERP 9 की, तो ये देख सकते हैं ये टैली ERP 9 है। और अगर आप वाउचर परचेज वाउचर में जाते हैं एंट्री पास करने के लिए, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर 1 दिखता है, ये दिख रहा है। और यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर आता है, तो यहां पर ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सवाल यही है। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो यहां से बाहर आ जाइए। ये बाहर आ गए और अब आपको कहां जाना है, इसमें देखिए आपको अकाउंट इन्फो दिख रहा होगा। तो अकाउंट इन्फो दिख रहा है, तो यहां से आपको ए हाईलाइट नजर आ रहा होगा, तो बस ए प्रेस कर दीजिए। ए प्रेस करने के बाद नीचे आइए वाउचर टाइप पर, वाउचर टाइप का वी प्रेस कीजिए, क्योंकि वी ही हाईलाइट है। अब हमको क्रिएट तो करना नहीं है, तो हम इसे अल्टर करेंगे, तो ए प्रेस कीजिए। और ए प्रेस करने के बाद नीचे आइए नेविगेशन की मदद से, और जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ये परचेज दिख रहा है, तो यहां पर परचेज में आ जाइए। और परचेज में आने के बाद एंटर करिए, एंटर करिए। और यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर देखिए ये मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक है, आपके में शायद मैनुअल होगा, ठीक है, या कुछ और भी हो सकता है, तो आप इसे ऑटोमेटिक कर लीजिएगा, ठीक है। और ऑटोमेटिक करने के बाद अगर आप खुद से सेट करना चाहते हैं तो यहां वाई प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पर ये आ रहा है कि आपका सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। अगर आप कुछ और चाहते हैं तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 100 से चाहता हूं, ठीक है। और यहां पे लिखा हुआ है विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, अगर आप न्यूमेरिकल पार्ट की विथ देना चाहते हैं, चौड़ाई देना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, तो वो भी सेट कर सकते हैं। तो यहां 5 कर दिया। अब कह रहा है प्रीफिल, प्रीफिल 0, अगर 0 को प्रीफिल करना चाहते हैं तो यहां पे कर सकते हैं। और ये कब कब चेंज होगा, स्टार्टिंग नंबर कहां से है, तो ये स्टार्टिंग नंबर हम कर देंगे 1 से ही कर देते हैं, या फिर यहां पे 100 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहां पर। और ये ईयरली चेंज होगा कि डेली चेंज होगा कि मंथली चेंज होगा, तो अगर आप इसे वीकली कर देंगे तो ये वीकली चेंज होगा, ठीक है। और एप्लीकेबल फ्रॉम दिया गया है, तो ये कब से एप्लीकेबल होगा वो आपको देना है। तो जो चीज यहां पे दी गई है आप देख सकते हैं, यहां पे एप्लीकेबल फ्रॉम, वही सेम चीज यहां पर भी देनी है। तो 1/4/2023 करता हूं और एंटर करता हूं। अब यहां पे प्रीफिक्स डिटेल डालना है, तो यहां पे प्रीफिक्स में मैं 2 बार ए डाल देता हूं, ठीक है, और एंटर करता हूं। और यहां पे फिर वही 1/4/2023 करेंगे। और यहां पर अब सफिक्स का डिटेल डालेंगे, तो यहां कर देते हैं RR। तो ये इस तरीके से कर दिया, आप एंटर किया, एंटर किया, एंटर करके, एंटर करके, और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये एक्सेप्ट करा लिया। अब आते हैं परचेज वाउचर में, जरा एंट्री पास करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AA001 फिर 00RR करके लिख के आ रहा है, ठीक है। अब आप जब भी एंट्री पास करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने पहली एंट्री पास की, सप्लायर नंबर देने के बाद यहाँ पे 1 अप्रैल आया, मान लीजिए कैश में ये सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, और यहाँ पे परचेज का लेजर लगा देंगे, तो PURCHASE परचेज का लेजर आप लगाइए, एंटर करिए, एंटर करिए, इसका ग्रुप जो है परचेज अकाउंट रखिएगा, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। एक्सेप्ट करा लिया, अब यहाँ एक स्टॉक आइटम बना लेता हूँ, मान लीजिए कि बासमती राइस कर लेता हूँ, बासमती राइस, तो ये हो गया बासमती राइस। और फिर एंटर करिए, एंटर करिए, और यहाँ पे प्राइमरी है, इसको प्राइमरी ही रखते हैं। यहाँ पे अल्ट सी कर लेते हैं, यहाँ पे केजी बना लेते हैं सिंबल, और यहाँ पे क्या करना है किलोग्राम, तो ये हो गया किलोग्राम, और एंटर करिए, और यहाँ पे 3 कर दीजिए, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट नहीं सेट कर रहा, यहाँ पे 50 किलो चावल की बात हो रही है, और 1 किलो चावल की खरीद रेट पड़ रही है 45 रुपए, तो इससे ज्यादा का ही बेचना है। अब यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कराता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, फिलहाल इसे स्किप करता हूँ। अब देखिए ऑटोमेटिक ये बिल नंबर चेंज हो जाएगा, देखिए AA001 और ये RR करके आ रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, ठीक है। कैसे चेंज होगा, ये 101 हो गया है, देखिए इसके पहले 100 था, यहाँ पे देखिए AA001 101 हो गया है ना, तो ये पहले 100 था, कैसे, यहाँ पे देखिए ये जो हमने परचेस की एंट्री पास की उसका बिल नंबर देखिएगा, यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस द्वारा दिया गया नंबर जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 100 था, ठीक है, और उसमें क्या हो गया 101 हो गया। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक ये चलता रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि टैली में, टैली ERP 9 में इसे कैसे करना है। अब प्राइम में दिखा देता हूँ कि प्राइम में कैसे करेंगे, तो सेम वे है, सेम तरीका है, कैसे, यहाँ पर आएंगे तो देखिए ये चार्ट ऑफ अकाउंट पे आपको आना है, यहाँ से ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट दिख रहा है ना, यहाँ पर आ जाइएगा, और यहाँ पर आकर के वाउचर टाइप पे आइएगा। अब कौन से वाउचर की बात कर रहे हैं हम, तो हम बात कर रहे हैं परचेस की ही, तो यहाँ पर परचेस पे आएंगे, और यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिक तो पहले से पड़ा हुआ है, मैनुअल दिया गया है, तो यहाँ इसे हम ऑटोमेटिक करेंगे, क्या करेंगे, ऑटोमेटिक करेंगे।
और ये करके नीचे आएंगे और यहां पर आपको एडवांस कॉन्फिगरेशन की सेटिंग करनी है। तो सीरियल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, तो इस बार हम 100 से कर देते हैं और न्यूमेरिकल पार्ट 3 रखते हैं और यहां पर प्रीफिक्स 0 तो यस कर देते हैं। और यहां पर ये ईयरली चेंज होगा कि कैसे चेंज होगा, तो यहां पर हम कर देते हैं डेली, तो ये डेली कर दिया हमने। अब यहां पर आएंगे तो वही डेट 1/4/2023 आपको डालनी है क्योंकि यहीं से तो हमारा ये सेटिंग स्टार्ट होगा, तो यहां पर 1/4 डैश कर देते हैं, 2023 हो गया। अब यहां पर शुरुआत में दो बार ए आना चाहिए, ये हमने दे दिया, ठीक है। फिर यहां 1/4/2023 करेंगे और फिर यहां पर लास्ट में क्या आना चाहिए, तो लास्ट में आना चाहिए आर वाई, ये हमने दे दिया, एंटर किया, इसे एक्सेप्ट करा लिया, एंटर लास्ट तक करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे और एक्सेप्ट कराने के बाद यहां से बाहर आ जाएंगे और बी बटन प्रेस करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि AA10 3RY लिख के आ रहा है। अब यहां पे सप्लायर इनवॉइस नंबर डालिए, जो भी एंट्री पास करनी है आप पास करिए, जैसे क्रेडिटर पार्टी की बात है, यहां पर आ गए, एंटर किया और यहां पर आएंगे तो कोई भी स्टॉक आइटम हमें लेना है तो कूलर नजर आ रहा है, तो इसके लिए हम मोड चेंज कर लेंगे, तो यहां से आइटम इनवॉइस मोड में आ जाएंगे और एंटर करेंगे तो अब ये जो है काम हो जाएगा। तो एंटर करिए, नीचे आइए, यहां पर ये इस तरीके से यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर आएगा और बाकी यहाँ पर तो कंप्यूटर ही आएगा, जैसे कैच मसाला दिया गया तो ये ले लेते हैं हम, और ये 5 की बात करते हैं और यहाँ पे रेट आ चुका है, देख सकते हैं, एंटर करेंगे और यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको हटा देना है, ये जो आ रहा है ना इसको हटा दीजिएगा, यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिएगा, एंटर करिए। अब देखिएगा वहां पर AA10 यानी 103 RY आया हुआ है। अब इसको एक्सेप्ट कराने के बाद जब दोबारा आप एंट्री पास करेंगे तो यहाँ देखिए 104 RY आ गया, 104 RY, तो ये अपने आप ये चेंज होता रहेगा, ये फायदा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिक बिलिंग सेट कर सकते हैं, चाहे टैली ERP9 की बात करें या टैली प्राइम की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।